वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सांसद राजकुमार सैनी ने लोकतंत्र सुरक्षा मंच के सभी सदस्यों को संबोधित किया। अपने संबोधन में सैनी ने केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह पर जमकर निशाना साधा। कुरुक्षेत्र प्रजापति धर्मशाला में सांसद राजकुमार सैनी ने प्रदेश भर से आए लोकतंत्र सुरक्षा मंच के सदस्यों को संबोधित किया और रैली को कामयाब किए जाने पर उनका धन्यवाद भी किया। इसके अलावा उन्होंने खास समुदाय के सदस्यों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता जान चुकी है कि राजनीति में कितने लोग स्वार्थी हैं, जो अपना ही पेट पीट रहे हैं। कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी ने धर्मनगरी में हुए समानता सम्मेलन को सफल बनाने वाले लोकतंत्र सुरक्षा मंच से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर सराहनीय काम करने वाले नेताओं, वर्करों, पदाधिकारियों की पीठ ठोकी। अपने चिर परिचित अंदाज में सांसद सैनी ने केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह पर निशाना साधा और उन्हें नसीहत भरे अंदाज से कहा कि मेरा तो मानसिक संतुलन ठीक है, मंत्री महोदय अपना मानसिक संतुलन चेक करवाएं। पिछले दिनों 28 नवंबर पे कुरुक्षेत्र की पावन धरा पे महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पे समानता समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी जिलों से आए हुए प्रतिनिधि जिन्होंने यहाँ पर सहयोग दिया था, आज उनका धन्यवाद करने के लिए हमने यहाँ पर उनको बुलाया है। उम्मीद है कि जरूरत से कुछ लोग ज़्यादा आ गए हैं, हमने 1000 कुर्सी लगाई थी और लोग यहाँ पर ज़्यादा पहुँच गए हैं, तो मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूँ। सिर्फ प्रतिनिधि बुलाए थे और उनके साथ में उनके दोस्त आए हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ और अपील करता हूँ कि अपने हकों की सुरक्षा के लिए सब सजग हैं और जिस प्रकार से मूवमेंट चल रही है, भविष्य में लोग समानता के लिए प्रेरणा लेकर के यहाँ से जाएंगे और प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का पिछले दिनों लावा उबला, उस प्रकार का प्रदेश का माहौल दोबारा से खराब ना हो, उसका संज्ञान लेते हुए सभी लोग यहाँ पर अपने प्रदेश के अमन और शांति के लिए काम करेंगे। कितने जिलों से लोग आए हैं? लगभग 22 के 22 जिलों से लोग आए हुए हैं। देखिए, जिस प्रकार से वो ओछी हरकतें करके लोग रोजाना दूसरों पर फब्तियां कसते हैं, मुझे लगता है दूसरों का मानसिक संतुलन की बात करते हैं, अपने मानसिक संतुलन को अगर लोग चेक कराएं तो अच्छा रहेगा। सैनी ने कहा कि जो जातिवाद को बढ़ावा देने वालों को अदर समाज सबक सिखाएगा। समाचार एक्सप्रेस के लिए कुरुक्षेत्र से सुनील कुमार की रिपोर्ट।